मकर संक्रांति के इस मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल और गुड़ से बनी हुई ऐसी सॉफ्ट गज्जक जो आज तक आपने कभी नहीं खाई होगी। कड़क वाली गज्जक या कुरकुरी गज्जक तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ये वाली गज्जक आपने कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम नरम है। बच्चों के साथ बड़े भी, जिनके दांत नहीं है, वो भी इसे आराम से खा पाएंगे। और तिल और गुड़ से बनी है तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी है। गर्म ठंडियों में हम तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें अक्सर खाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तिल गुड़ गज्जक बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं, जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ठंडी का मौसम है तो इस टाइम तो तिल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने 200 ग्राम यहाँ गुड़ लिया है। जितने हम तिल लेंगे साथ में उतने ही हम गुड़ लेंगे। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है, दोनों हमने सेम लिए हैं। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है और पैन में हम डाल लेंगे तिल। तिल को हम 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर हल्के से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे, जिससे इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा और ये फूल जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक लगातार हम लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा, कड़वे लगेंगे तो गज्जक स्वाद नहीं लगेगी। तो 3 से 4 मिनट भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट मैंने इसे भून लिया है। आप देख पा रहे होंगे हल्के से ये फूल गए हैं और इनका कलर भी अब चेंज हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। एक प्लेट लेंगे और इसमें निकाल लेंगे, तिल को ठंडा कर लेंगे। तिल को हम ग्राइंड करेंगे यानी कि पीस लेंगे, तो इससे पहले इनको ठंडा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तिल ठंडा नहीं करेंगे तो इसमें से तेल निकल जाएगा और बिल्कुल मैशी हो जाएंगे, तो इसलिए तिल को ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिल एकदम ठंडे हो गए हैं, अब हम इसे पीस लेंगे। तो एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें डाल लेंगे हम तिल को और इसे हम पीस लेंगे। तिल को बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा इसको पीस लेना है। तो पीस लेते हैं। देखिए तिल को मैंने अच्छे से पीस लिया है और एकदम पाउडर बना है इसका, बिल्कुल भी इसमें से तेल नहीं निकला है। अब हम इसमें गुड़ डाल लेंगे। तो गुड़ डाल लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस सकते हैं, मैं साथ में ही पीस रही हूँ। तो गुड़ इसमें डाल लेते हैं और एक बार फिर से हम इसको पीस लेंगे। और इसमें मैंने 2 काली वाली जो बड़ी वाली इलायची होती हैं उसके दाने निकाल कर कूट कर मैंने ये डाल दिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से, आप देख पा रहे होंगे। अब इसे हम पका लेंगे करीब करीब 3 से 4 मिनट। इसके लिए एक पैन लेंगे और 1 चम्मच इसमें घी डाल लेंगे, घी को पिघलने देंगे। अब जो मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया है तिल और गुड़ से, वो डाल लेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, बस लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो गुड़ है जब मेल्ट होगा तो कड़वा हो जाएगा। तो इसे हम 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए इसको पकाते हुए करीब करीब 3 मिनट हो गए हैं और इसमें शाइनिंग आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी इसमें शाइनिंग आई है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, देखिए। और ये वाली गज्जक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो अब और नहीं पकाना है, इसे हम निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ एक प्लास्टिक शीट ली है, उस पर थोड़ा सा घी लगा दिया है, जिससे जब हम इस पर मिक्सचर डालेंगे तो वो चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो फॉइल पेपर या बटर पेपर भी यहाँ ले सकते हैं। डाल लेते हैं मिक्सचर। देखिए शाइन, इतनी प्यारी इसमें शाइन आई है, बहुत ही प्यारी। अब इसे मसल लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो मसल लेंगे इसे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, इतना कि ये छूने लायक हो जाए, बस इतना ठंडा करना है।
एक मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हल्का सा ये ठंडा हो जाए। एक मिनट हो गई है, हल्का सा ठंडा हो गया है, हम इसको छू पा रहे हैं। एकदम से ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, तो इसका हमें रोल बना लेती हूँ यहाँ। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर इसकी लड्डू टाइप में बना सकते हैं या पेड़ी बना सकते हैं। मैं इसको रोल बना रही हूँ और फिर इसको कट करूँगी। तो रोल बना लेते हैं। अब मैंने थोड़े से यहाँ तिल लिए हैं, फैला लेंगे, और साथ ही साथ थोड़ी मैंने यहाँ बारीक कटे हुए पिस्ता लिए हैं। मिक्सचर को अब यहाँ इस पे रोल कर देंगे ताकि ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। आप चाहें तो जब इसको पका रहे हैं हम गैस पे 3 से 4 मिनट के लिए, तो वहाँ आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब मैंने एक फॉइल पेपर लिया है, उस पे रोल को रख लेंगे हम और इसको अच्छे से शेप देते हुए बंद कर देंगे। टाइटली इसको बंद करना है, बिल्कुल अच्छे से शेप देते हुए, और इसको हम फ्रिज में 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, या आप चाहें तो बाहर में ही इसे आधा घंटे तक रख सकते हैं, जिससे ये सेट हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आराम से ये सेट हो जाता है। तो रख देते हैं फ्रिज में 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो फिनिशिंग के लिए साइड से पहले कट कर सकते हैं, दोनों तरफ से। देखिए बिल्कुल आराम से कट हो जाएंगे और जो ये फॉइल पेपर है वो आराम से निकल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी, हमारा बिल्कुल पेड़े की तरह हमने इसको बनाया है। और कट कर लेंगे। एकदम टेस्टी और हेल्दी ये गज्जक है। आप आराम से इसे घर पर बना सकते हैं, और सिर्फ 2 चीज़ों का ही हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ज़्यादा कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और टेस्टी होने के साथ साथ ठंडी में अगर हम इसे खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ऐसे ही और कट कर लेंगे और प्लेट में हम इसे रख लेंगे। देखिए ये बनकर तैयार है। हल्के से मैं पिस्ते से इसे गार्निश कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने इस पर थोड़े काजू लगाए हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर भी लग रहे हैं और खाने में ये टेस्टी भी हैं। तो आप भी इस मकर संक्रांति ऐसे गज्जक बना सकते हैं, जो बच्चों के साथ साथ बड़े भी, जिनके दांत नहीं हैं वो भी आराम से खाएं, तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाएंगे। आप उनके लिए बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति।